जब कोई स्टॉक अपना एक रेंज बना लेता है और कुछ दिन उस रेंज के ट्रेड करने के बाद उस रेंज को विद हाई वॉल्यूम ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको ब्रेकआउट स्टॉक बोलते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली में ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, तो हम लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मगर आपके चिंता का कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे 3 ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर बात करूँगा जिसके अंदर आप अभी के लिए पोजिशन बना सकते हो। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए और इंट्राडे का डेली बेसिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि वो नहीं करने से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि बाजार इनसाइट नाम पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, तो अभी तक अभी उसके अंदर नहीं है तो वहाँ पर होना ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके साथ मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए। कल के लेवल्स पे जाने से पहले जो प्रीवियस एपिसोड था आज के लिए उसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। पहला जो स्टॉक मैं दिया था वो था कोल इंडिया लिमिटेड, और आप लोगों ने देखा किस तरह से लगभग वहाँ पर 7% के करीब करीब प्रॉफिट देखे गए हम लोगों का लेवल के ऊपर यहाँ पर ओपन हुआ था। थोड़ा ऊपर मिला था लेवल वो ज़रूर है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा रैली करके ये कोल इंडिया यहाँ तक गया जो कि है 532। जिन लोगों ने बाई किया था, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, ह्यूज प्रॉफिट मिला है, ह्यूज प्रॉफिट मिला है, लगभग वहाँ पर 6% 7% के करीब करीब प्रॉफिट देके गया है। सेकंड जो मैंने दिया था वो था ONGC, सेम हम लोगों का बाइंग लेवल था 310, उसके ऊपर ही यहाँ पर ओपन हुआ था। उसके बाद ये 7.5% ऊपर गया और यहाँ जो हाई लगाया 331, ह्यूज प्रॉफिट देके गया है। थर्ड जो था वो था DLF, उसके अंदर भी हम लोगों का लेवल थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद 10 मिनट बाद ये नीचे आ गया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर 847 के आसपास कुछ हाई लगाया जो कि टारगेट के बहुत बहुत ऊपर है हम लोगों का। तो तीनों जो स्टॉक दिया था, तीनों स्टॉक में आज मतलब जैकपॉट प्रॉफिट मिला है, ह्यूज प्रॉफिट मिला है। तो अगर आपको मैच करवाना है, कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, इस वीडियो का एंड स्क्रीन में जाके कल का एपिसोड के साथ जो मैंने अभी रिव्यू किया उसको मैच करवा लीजिए। अब चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और जो कल के लिए यानी कि 8 अगस्त के लिए पहला स्टॉक रहेगा उसको देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, और ये रहा स्टेट बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसे कि आपको पता है मैं खाली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करवाता हूँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर मैं लगाऊंगा। इस टोटल एरिया का फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगा दिया, और आप देख सकते हैं कि इसने इसका जो ये वाला एरिया है 50% वाला एरिया यानी कि 813-14 उसी एरिया के ऊपर ये जाने का कोशिश करेगा कल। और ये अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है एटलीस्ट 10 मिनट सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है, नहीं तो फिर आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। तो 10 मिनट सस्टेन होने दीजिए, तो वहाँ से हम लोग उसको बाई करेंगे। बाइंग लेवल क्या रहेगा ये देखिए, बाइंग लेवल्स टारगेट स्टॉप लॉस के साथ मैंने दे दिया। और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आने का कोशिश करते हैं, और इसका जो 23% वाला एरिया है 804, इसके नीचे अगर चले आते हैं और इसके नीचे आके अगर 10 मिनट सस्टेन होते हैं इस लेवल के नीचे, तो हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा ये रहा लेवल शॉर्ट सेलिंग का। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर आप नए हैं मार्केट के अंदर और अगर आपको लगता है कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरा 3 व्हाट्सएप वहाँ पर प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम सर्विस, जिसके अंदर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर मैं व्यू देता हूँ डेली बेसिस हैंड होल्डिंग सर्विस के साथ लेवल स्टॉप लॉस के साथ। उसके अंदर अगर आप जोड़ना चाहते हैं 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। सेकेंड जो है ऑप्शन के ऊपर है, इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर मैं काम करवाता हूँ, वहाँ पर अगर आप ऐड होना चाहते हैं इंट्राडे व्यू देता हूँ व्हाट्सएप पे, अगर वहाँ पर आप काम करना चाहते 699 पर मंथ का छोटा सा फीज है। और थर्ड जो है BTST STVT FNO सेगमेंट के ऊपर, एक फ्यूचर के ऊपर, एक ऑप्शन के ऊपर, BTST यानी कि आज बाई करेंगे कल सेल करें आज सेल करेंगे कल बाई, ऐसे व्यू देता हूं। उसके अंदर अगर आप जोड़ना चाहते हैं 899 पर मंथ का छोटा सा फीस है। लेकिन एक बात
यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये कोई एडवाइजरी सर्विस भी नहीं है, प्योरली एजुकेशनल सर्विस है। मैं जो ट्रेड करता हूँ उसके बेसिस पे, मेरा जो एनालिसिस रहता है उसके बेसिस पे मैं सपोर्ट देता हूँ। तो अगर ये जानने के बाद ही आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि सही है, तभी आप यहाँ पर आइए, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड व्यू में चल पड़ते हैं। सेकेंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का टाटा मोटर्स के ऊपर, एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आज जिस तरह से थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है 1% के करीब करीब, और इसका भी मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाऊंगा टोटल जोन का। ये देखिए मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट प्लॉट कर दिया है, और इसका जो ये 50% वाला एरिया है वो है 1036 के आसपास। तो उसी एरिए के ऊपर, यानी कि ये एरिया, इस एरिए के ऊपर जाके अगर टाटा मोटर्स 10 मिनट सस्टेन होता है, बार बार इस बात को मैं जोर लगाता हूँ, 10 मिनट सस्टेन होने दीजिए, 5 मिनट का दो कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग होने दीजिए। तो लेवल क्या रहेगा, लेवल ये रहेगा ये 1036 के ऊपर से, और आप देख सकते हैं लेवल कैश का मैंने दे दिया। और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होके नीचे आ जाते हैं, और इसका जो 23% एरिया है 1021 1022, उसके नीचे आके अगर 10 मिनट सस्टेन होता है, तो हम लोग वहाँ से उसको शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने प्रीवियस कैपिटल को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, मैं डेली बेसिस आप लोगों को हेल्पिंग पर्पस वीडियो डालता हूं, तो थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50+, थोड़ा अचीव कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा डेली बेसिस वीडियो डालने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है मेरा वीडियो, कोई भी सजेशन सुझाव हो तो ज़रूर देना, कुछ भी क्वेरी है ज़रूर पूछना, मैं आंसर करूँगा, तो कॉमेंट करके जाना है। चल पड़ते वीडियो में, और जो थर्ड और फाइनल व्यू रहेगा कल के लिए वो देख लेते हैं। वो रहेगा VEDL के ऊपर, यानी कि वेदांता लिमिटेड, एक मेटल सेक्टर स्टॉक है VEDL, और इसका भी मैं टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट यहां पर ड्रॉ करूंगा, प्लॉट करूंगा। आप देख सकते हैं टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट, इसका ब्रेकआउट जोन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग आता है, ये देखिए ये ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पर हाई लगाया था, फिर से यही जगह पर टेस्ट किया है, तो इसी एरिया को कल अगर टेस्ट करके ब्रेकआउट करते हैं और एटलीस्ट 10 मिनट उस एरिया के ऊपर जाके सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग VEDL को वहाँ से बाय करेंगे 434 के ऊपर से। और अगर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके रिजेक्शनों के नीचे आते, इसका 23% एरिया 427, उसके नीचे आके अगर सस्टेन होते हैं 10 मिनट, तो हम लोग वहाँ से उसको शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने प्रीवियस कैपिटल को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, कल का जो एपिसोड दिया था ह्यूज प्रॉफिट मिला है, उसको मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, जाके ज़रूर देख लेना। और मेरा स्विंग ट्रेड के लिए एक एपिसोड मैंने डाला था, उसको भी मैं एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, ज़रूर ये दोनों वीडियो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।